अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बना रही हूँ मंगोड़े, लेकिन ये नाश्ते के लिए नहीं है, ये सब्जी के लिए है। क्योंकि आज कोई सब्जी नहीं थी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने कि चलो मंगोड़ों की सब्जी बना लेती हूँ। तो बस दाल में भिगो कर रख दी थी मैंने रात में ही मूंग की, तो बस यहाँ पर मंगोड़े फ्राई कर रही हूँ और आधी दाल मैंने उठा कर रख दी है। तो कल मैं जो है नाश्ते में या तो चीले बना लूँगी या फिर मंगोड़े ही बना लूँ, क्योंकि अगर नाश्ते में मंगोड़े खाओ और फिर वापस से दोपहर में उसकी सब्जी खाओ तो वो अच्छा मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए सब्जी मंगोड़े की हम लोगों को पसंद है, तो इसलिए मैं इनकी डायरेक्ट सब्जी ही बनाती हूँ। तो बस मंगोड़े फ्राई हो रहे हैं और साथ ही साथ मैं मसाले तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमारे गर्म मसाले ख़त्म हो रखे हैं और इलायची पाउडर भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी खीर बनाऊँगी तो उसके लिए मुझे इलायची पाउडर चाहिए, तो वो भी ख़त्म हो गया है। और बस काली मिर्ची पाउडर जो है बचा है थोड़ा सा, तो मैंने कि चलो साथ ही साथ ये मंगोड़े भी फ्राई होने में टाइम लेंगे, तो मैं जब तक जो है ये मसाले वगैरह पीस कर रख लेती हूँ। तो बस आंटी जो है अभी काम कर रही हैं, बर्तन माँज रही हैं और उनका झाड़ू पोछा हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं मंगोड़े फ्राई कर रही हूँ और इलायची मैंने भर के रख दी है जार में, तो बस उनको पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं कटोरी में मंगोड़े दे रही हूँ आंटी को, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा मंगोड़े पसंद थे, तो मैंने कि चलो मम्मी मम्मी की जगह आंटी को दे देती हूँ। तो उनका जो भी पसंद का रहता है हम खाना निकाल देते हैं, चाहे आंटी को खिला देते हैं या फिर किसी और को भी दे देते हैं। तो मंगोड़े जो है जैसे ही सीखते थे ना, तो मम्मी ही सबसे पहले खाती थी, क्योंकि उनको नाश्ते में मंगोड़े पकोड़े ये चीज़ें पसंद थी, तो इसलिए मैंने उनको दे दी आंटी को। और बस यहाँ पर मैं इलायची पाउडर मैंने पीस लिया, तो इलायची में थोड़ी सी शक्कर डाल लेती हूँ, फिर उससे इलायची पाउडर जो है अच्छा सा बन जाता है। तो इसको 2-3 बार पीस के जो है मैं छान छान के उठाती जा रही हूँ, जो मोटा मोटा है ना वो, और इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, दूसरी डिब्बी में भर कर रख लूँगी, क्योंकि ये मैं जो है चाय में जो है यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छी। जैसे कि हम इलायची अगर पीस के भी डालते हैं तो उसकी जगह अगर हम छिलके यूज करते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाय में। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी इलायची पाउडर बनाती हूँ तो इस तरीके से मैं रख लेती हूँ। तो बस इलायची पाउडर बन गया है और छिलके भी रख लिए हैं, और ये है काली मिर्च जिसका मैंने पाउडर बना लिया, तो इसका ही मैं पाउडर इकट्ठा ही बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि ये जैसे कि अंडे खाते हैं बॉयल अंडे उसमें डालकर खाते हैं, और मखाने हैं और काजू हैं, उनमें सब में जो है काली मिर्च पाउडर चलता है हमारे यहाँ पर। और बस वो हो गया है तैयार। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला भी पीस कर रख रही हूँ, तो सारा गरम मसाला मैंने निकाल के इकट्ठा करके रख लिया था, तो बस इसको मैं पीस के भी इसमें कटोरी में रख लिया है, क्योंकि ये जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि सारे मसाले एक साथ नहीं पिसे ना, अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए तो बस अब इसको भर के रख दूँगी। और साथ ही साथ मंगोड़े भी फ्राई हो गए और जो मसाला है वो भी हमारा तैयार हो गया पिस के। तो बस अब मैं मंगोड़ों की सब्जी बनाऊँगी, और उसकी मैं रेसिपी नहीं दूंगी, क्योंकि वो सिर्फ सिंपल तरीके से जैसे कि हम मसाला भूनते हैं, बस मसाला भून के और ग्रेवी बनाना और फिर उसके बाद मंगोड़े डाल देना। तो बन, तो बस काम करने के बाद थोड़ा सा मैं बैठ गई थी, और बस फिर मैंने कि चलो अभी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो आगे शूट नहीं की है खाना बनाने की कि मैंने क्या बनाया है, मतलब मंगोड़े तो जो बना रही थी मैं वही है, और सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने जमा दिए हैं। तो बस खाना बन गया है, सारा सफाई वफाई करके मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैं दिखा देती हूँ। ये बनी है खीर, और ये है मंगोड़ों की सब्जी, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसीलिए मैंने आज बनाई है। और बस रोटी बनाई है तो ये है हमारा आज का खाना है। और चलिए अब एक लास्ट काम और कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। ये मैंने जो है डब्बा मजवाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था एल्युमिनियम का, तो जैसे सूख गया है। हम जो है इसमें गरम मसाले जो होते हैं ना इकट्ठे, वो मैं रखती हूँ इसमें, और इसमें शुरू से ही जो है गरम मसाले वगैरह ही रखे जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सामान आता है ज़्यादा क्वांटिटी में ही आता है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए। तो ये वही गरम मसाले हैं जो आप लोग के साथ एक बार मैंने शेयर किए थे, तब बहुत सारे लोग आए थे कि इतने सारे गरम मसालों का क्या करोगे
तो वो गर्म मसाले अभी तक चल रहे हैं और अभी तो बहुत सारे रखे हैं। तो चलिए इसको रख देते हैं और फिर चलते हैं ऊपर। और आज मुझे थोड़ा सा सामान भी भर के रखना है, डब्बे खाली हो गए हैं तो मैं करूँगी लेकिन अभी नहीं। आलिया कोचिंग जाएगी उसके बाद, क्योंकि जब तक मुझे नहाना है, अभी बच्चों को नहलाना है, फिर नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद मैं फ्री होंगी, जब मैं जाके वो काम करूंगी। तो इधर ही हमारा सारा ऑयल वगैरह इधर ही रहता है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो बस मैं अभी ऊपर आने के बाद जो है मैंने बच्चों को नहलाया है और बस तैयार करके बिठा दिए। तो अभी नाया जो है अपना कार्टून देख रही हैं, तो वो इस तरीके से फेस करे हुए हैं और मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं। तो बड़ी गौर से उसको देख रही हूँ और सोच रही हैं मतलब क्या हो रहा है। तो बस अभी आलिया नाया दोनों बैठी हैं, बस मैं अभी इनको खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ देखिए ये वाला कार्टून चल रहा है इनका, पता नहीं कौन कौन से कार्टून के लगते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारे पड़ोसी के यहाँ से पार्सल आया है, बीडी नंबर 72 परिवार की ओर से सप्रेम भेंट। तो ये इनके मतलब बीडी नंबर 72 का इनका बिजनेस है। तो वो हमारे घर के जस्ट बगल में ही घर लगा हुआ है, मैं अगर छत पर जाऊँगी तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो इनके यहाँ से जो है दीपावली के टाइम पर हर साल हमारे यहाँ मिठाई, हमारे यहाँ क्या पूरी कॉलोनी में और जो भी उनके जान पहचान जिनको उन्हें बांटना होता, सारे पूरी सीपरी समझ लीजिए तो सबके यहाँ वो बांटते हैं। तो कभी मिठाई ये फर्स्ट बार आया है, ये दाल बाटी वगैरह ये फर्स्ट बार उनके यहाँ पर उनके यहाँ से आया है। और मैंने भी कुछ दिन पहले ही देखा था कि उनके यहाँ बन रही थी ये दाल बाटी। तो वो प्रोग्राम करते ही रहते हैं क्योंकि वो सम्मेलन वगैरह भी करते हैं, जैसे कि गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों की शादी वगैरह कराते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो और फिर ये त्यौहार आते हैं दीपावली, तो इस टाइम पर वो सबको गिफ्ट बांटते हैं। तो ये टिफ़िन वगैरह हर साल उनके यहाँ से टिफ़िन या डिश, हमारे यहाँ जो भी और भी डिश है ना बहुत सारे उनके यहाँ की हैं। तो ये देखिए मैंने सोचा था दाल बाटी है खाली, लेकिन यहाँ कितना सारा खाना है, बाटियाँ हैं और ये है कड़ी जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हलवाई के हाथ की बनी हुई है, तो फिर हलवाइयों के हाथ का खाना तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये है चटनी, ये है दाल और ये है जीरा राइस और ये है आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी जो पूड़ी के साथ खाई जाती है ना वो। और ये लड्डू हैं जो दो चूरमा के लड्डू हैं और ये बाकी के बेसन के लड्डू हैं। तो इतना खाना आया है इनके यहाँ से और ये हर साल जो है इस तरीके से गिफ्ट बांटते हैं, मिठाइयाँ भर के देते हैं कभी कभी इस तरीके से। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और मैं छत पर आ गई थी कपड़े धोने के लिए। वैसे तो फिर मैं ही डाल दिए थे, मैंने चालू कर दिए थे धुलने के लिए क्योंकि कपड़े इस बार बहुत ज़्यादा हुए थे और मैंने धो नहीं पाए थे, तो मेरे सूट भी बहुत सारे हुए थे। तो बस ये तार जो है मैंने इस साइड बांध दिया है हटाकर, और सुबह के टाइम हम लोग आए थे तो ये तार हटा कर गए हैं और दूसरी जो टंकी थी वो हटा के ऊपर रखी है। तो अब छत जो है बहुत अच्छी खाली खाली हो गई है, तो बस यहाँ पे कपड़े जो है पूरे धुल गए हैं, तो बस चादर वगैरह रह गई हैं वो धुल रही हैं। और जब तक चादर धुल रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी धो देती हूँ छत को। तो बस यहाँ पर मैं छत धो रही हूँ क्योंकि धूल मिट्टी झाड़ू तो मैं लगा गई थी लेकिन फिर भी जो है धूल धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी, हवा चल रही है आजकल तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है छत पर और देख भी सकते हैं कितनी गंदा पानी निकल रहा है।
और वैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही झाड़ू लगाई थी। इतने दिन पहले मतलब जब भी आती हूँ, जब भी या तो झाड़ू लगा जाती हूँ या फिर धो जाती हूँ। जब मुझे ज़्यादा गंदी लगती है तो मैं धो लेती हूँ, अगर कम गंदी लगती है तो मैं सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ। तो बच्चे भी जो है यहीं पर हैं, क्योंकि शाम का टाइम है तो बस हम लोग शाम को छत पर आ जाते हैं। और यहाँ पानी जो है इतना कम चल रहा था ना नल में से, पता नहीं क्यों, उसमें जाली है तो पता नहीं जाली में कुछ भर गया या क्या, तो नल में से पानी इतना कम चला तो बहुत दिक्कत सी हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं पूरी छत को अच्छे से साफ़ कर दूँगी और अभी छत को दिखाऊँगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गई है, साफ़ सुथरी और खाली खाली हो गई, क्योंकि दोनों टंकियाँ हट गई हैं, पूरा सामान हट गया है छत पे से और तार भी जो है एक साइड कर दिया है, तो सब कुछ सही हो गया है। तो बस फाइनली हमारी छत जो है पूरी क्लीन हो गई है। तो इधर की टंकी तो हमने पहले हटा दी थी, आप लोगों ने देखा था, और आज हमने सुबह यहाँ की टंकी भी हटा दी है, खाली तो हमने पहले से ही कर ली थी। तो सुबह हम ये काम कर गए थे कि ये टंकी को हम ऊपर चढ़ा दी थी, अभी मैं दिखा भी दूंगी कहाँ पर रखी हमने। और बस अभी आकर मैं ये कपड़े धो ही रही थी, तो मैंने कहा चलो धो कर भी डाल देते हैं, इस छत को साफ़ हो जाएगी जिससे, क्योंकि बच्चे वगैरह खेल लेते हैं। तो बस यहाँ ये भी आ गई हैं, अच्छा लग रहा है आलिया, अब छत जो है बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। और हमने ये तार भी जो है ना इस साइड बांध दिया है, पहले यहाँ बीच में आया करता था ना तो चलने में है, तो ये तार हमने साइड में कर दिया इस तरीके से इधर बांध दिया है। तो अब हमारे एक तार इधर हो गया, एक तार इधर हो गया, एक तार इधर, मतलब साइड साइड में हो गए हैं, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। वरना यहाँ हम लोग चलते थे ना बीच में से जाने में तो दिक्कत होती थी, कपड़े बीच में आते थे। और बस अब रह गया है कि यहाँ पर हम कुछ पॉट वगैरह लेकर आएंगे, कुछ पौधे लगा लेंगे यहाँ पर सामने। मैं सोच रही हूँ यहाँ पर लगाऊँ या फिर यहाँ पर लगाऊँ, तो आप लोग बताना कमेंट करके पौधे कहाँ पर लगाऊँ इस जगह भी, क्योंकि ये कोना भी पूरा अच्छे से खाली कर लिया है। और ये भी हम इधर भी लगा सकते हैं, तो आप लोग बताना। वैसे तो ये स्पेस सही लग रहा है क्योंकि ये एक साइड है और अलग सा भी है, तो यहाँ तो जो है बालकनी पे जाने भी रहता है, तो यहाँ मैं सोच रही हूँ, तो आप लोग बताना कहाँ सही रहेगा। और बस यहाँ बच्चे खेल रहे हैं और मैं ऊपर दिखाती हूँ आपके हमने कहाँ पर रख दिया टंकियाँ। तो अभी चलते हैं छत पर, तो अभी हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाली छत पे और हवा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है इस टाइम पर। तो ये टंकी तो हमने पहले ही रख दी थी और दूसरी टंकी हमने इस साइड रखी और वो खाली रखी है, हमने भरी नहीं है उसको, ये रखती है। तो यहाँ पहले से हमारी दो टंकियाँ रखी हुई हैं पानी की, लेकिन ये हमने खाली रखी है। हाँ चुप कली, ओ नीचे गई, तो चुप कली रहती हैं यहाँ पर। और जो खाना दिखाया था मैंने तो वो इनके यहाँ से आया था, आपको बैग भी दिख रहे होंगे, इतने सारे बैग पड़े हुए हैं, तो इन्हीं के यहाँ से आता है। और जो खाना है ना घर के आगे उधर एक प्लॉट पड़ा हुआ है उसमें बन रहा है काफ़ी टाइम से, तो इनके यहाँ हर साल ऐसे बनता ही रहता है, साल भर ही उनके यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं इना। और जो हवा है बहुत अच्छी चल रही है, चुपकली इन चुपकली, तो अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और बस हम लोग छत से आ गए थे 8 बजे नीचे, और बस वहीं पर बच्चों को खाना वगैरह खिलाया है, तो अभी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, मैंने बोला था ऊपर चलो तो वो अभी नहीं आए हैं, तो मैं ही आ गई हूँ। और मुझे अभी याद आया कि मैंने अभी ब्लॉग का जो है एंड नहीं किया है, तो मैंने चलो एंड कर देते हैं, और कुछ नाम थे वो भी ले देते हैं। तो बस कुछ नाम लिखे हैं मैंने जो कमेंट बॉक्स में से लिए हैं और कुछ इंस्टाग्राम पे से लिए हैं जिन्होंने बोले थे। और लेकिन नाम लेने से पहले मैं एक कमेंट का रिप्लाई कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है वो कमेंट, मैं इंस्टाग्राम पर भी बात करती हूँ तो मुझसे वही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो है कमेंट बॉक्स में भी आता है। तो क्वेश्चन ये है कि, और वो इस तरीके से पूछते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा मतलब इंसान के दिल में क्यों आ रहा है कि अब भी आप बुलबुल के भाई की शादी में जाओगी क्या, नहीं जाओगी तो मतलब क्यों क्यों नहीं, ये क्यों शब्द लगा रहे, क्यों नहीं जाऊंगी मैं,
वो भी मेरे भाई लगते हैं, जरूर जाऊंगी, लेकिन थोड़ा मैं टाइम से जाऊंगी क्योंकि देखो घर में भी कोई नहीं है, पापा को अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए मैं जो मेन फंक्शन रहते हैं उनको ही अटेंड करूंगी और मैं ज़रूर जाऊंगी। तो मैंने जो है रिप्लाई किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो मैंने कि चलो आज मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ वीडियो में, जिससे सभी को एक बार में पता चल जाएगा। और वैसे मैं बोलूँ कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं क्यों नहीं जाऊँगी, अपने खास शादियों में खास फंक्शन तो हर कोई अटेंड करता है, तो मैं भी करूँगी लेकिन मैं वक्त पे जाऊँगी। और पहले से मैं मतलब पहले से तो देखो बहनें जो रहती हैं उनको तो पहले से ही जाना रहता है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि बुलबुल पहले से चली गई है मैं नहीं गई हूँ, तो अभी तो देखो उनके जो और खास रिश्तेदार हैं वो भी नहीं आए हैं, खाली उनकी बहनें ही हैं, बस बुलबुल है और लवली बाजी है और कोई भी नहीं है। तो बहनों का तो जो है पहले से ही जाना रहता है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं घर में जो बहनों को निपटाना रहता है, पहले से ही महीने भर 2-3 महीने से ही पहले से ही तैयारियां चलती हैं जब जाके वो शादी तक पूरी हो पाती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है शादी में कितने सारे काम होते हैं, हम जितना करें उतना कम रहता है, तो इसलिए उसको तो पहले से जाना बनता है। तो और मेरी रही बात तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन मैं जो फंक्शन है मेन जैसे कि बारात है और वलीमा है उसको ही अटेंड करूंगी, तो इसलिए मैं उसी टाइम पर जाऊंगी। और आप लोगों को शायद इसलिए डाउट हो रहा होगा कि मैं अपनी कोई तैयारी से ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई शॉपिंग से ऐड नहीं कर रही हूँ, तो मैं करूँगी और मैं अभी तैयारी कर भी रही हूँ, मेरी चल भी रही है, क्योंकि देखो शादियाँ होती हैं हमारे खास घर में तो हम भी तैयारी करते हैं कि हमें ये पहनना है, ये लेना है और ये गिफ्ट देना है, तो सारी बहुत सारी तैयारी रहती हैं, तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए क्योंकि फिर ये कमेंट आएंगे कि इतने टाइम पहले से शादी शादी चिल्लाने लगी है, क्योंकि मेरे लिए बहुत जल्दी कमेंट आ जाते हैं उल्टे सीधे, तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के चल रही लगी हूँ कि ये करूँगी तो ये से कमेंट ना जाए, तो इसलिए तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी और जो भी शॉपिंग है वो भी शेयर करूँगी कि मैं शादी के लिए क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है, वक्त है, अभी 10-12 दिन है शादी में, और जब मैं आएगा टाइम तब मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर दें और आप लोगों को अपने कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा, और अब मैं नाम ले देती हूँ फराज शेर खान और जायका हमारा तब, और ये है सायमा, सायमा है इनके भाई की तबीयत ख़राब है तो इनके लिए दुआ करना है, तो आप लोग दुआ करना इनके भाई के लिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। और ये हैं असमा समीम, आफिया, अयान राजपूत, अयान खान, और ये हैं तौबा खान, एमडी तौबा खान, इनके भी जो है दुआ करना है। तो चलिए हम सबको दुआओं में याद रखना, हाँ, और इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।